हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है योजना और परियोजना। पिछले 3 मंथ में जो योजना और परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो ये इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी योजनाओं के बारे में पता चल जाए। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने यहाँ पर ली गई है, ठीक है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पर है। तो तकरीबन 20 से 25 योजनाएं यहाँ पर है, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इसका पीडीएफ जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पीडीएफ का लिंक, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में ये मिस ना हो पाए। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सर लाल कलर का बटन है दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। और सामने जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नोट संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं, जो भी पीडीएफ है, जो कुछ भी है नोट संबंधी जानकारी, वो आपको मिलेगा www.bhargavclasses.com पर। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला जो योजना क्या है। तो उर्गम जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में किस नदी पर निर्मित है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये है कल्पगंगा, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 23 मार्च 2018 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अब आपको इनका नाम याद रखना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेलांग घाटी चमोली में कल्पगंगा नदी पर पुनर्निर्मित उर्गम जल विद्युत परियोजना लागत 3.05 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया। इसका पुनर्निर्माण उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा किया गया है। तो आपको ये पूरे पॉइंटों को याद रखना पड़ेगा। इस जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है 3000 किलोवाट। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत से जहां भरकी भेटा, उर्गम, चाईथाई, सलना, जोशीमठ और बड़गांव सहित समर्पित क्षेत्रों के लगभग 25 गांवों की विद्युत आपूर्ति की सुधार होगा, वहीं स्थानीय बेरोजगार पुरुषों को इस परियोजना से रोजगार मिलेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उर्गम जल विद्युत योजना कहां पर है, तो कल्पगंगा नदी, जगह कहां है तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज याद रखना पड़ेगा। लागत है 13.05 करोड़ रुपए, ठीक। ये सारी बातों को पूरा आपको याद रखना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए और इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस परियोजना के लिए। उसके बाद में दूसरा है किसन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में किस जिले में झेलम की सहायक नदी किसन गंगा पर निर्मित की गई है? तो ये है बांदीपुर, ठीक है। कहां पर? बांदीपुर। आप देखते हैं इसके बारे में। तो 19 मार्च 2018 को बिजली उपकरण निर्माता सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने जम्मू कश्मीर स्थित किसन गंगा जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई शुरू किए जाने की घोषणा की है। कब की है? तो 19 मार्च 2018। कहां पर? तो बांदीपुर, आपको याद रखना पड़ेगा, किसन गंगा परियोजना, ठीक है। इसकी पहली इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता है 110 मेगावाट, ये भी आपको याद रखना है। यह परियोजना बांदीपुर जिले में झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर निर्मित है, तो ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 330 मेगावाट की इस परियोजना को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 13,500 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पादित या उत्पादन किया जाएगा। तो आपको 2-4 पॉइंट याद रखना है, बांदीपुर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा 19 मार्च 2018 को, ठीक है, भेल की सहायता से, ठीक, 110 मेगावाट। तो ये सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है। दो, तीसरा देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच हेतु शक्ति बटन ऐप और गुड़िया हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आने लायक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो ये है हिमाचल प्रदेश। अब मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं। तो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुड़िया हेल्पलाइन, आपको याद रखना है, गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति बटन मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है, ठीक है। मोबाइल को डिस्कनेक्ट न होने चेकअप प्रणाली इस ऐप की एक अनूठी विशेषता है। इस ऐप की सहायता से महिलाएं आपातकालीन स्थितियों में मदद ले सकती हैं। इस सुविधा के साथ ही हिमाचल प्रदेश आपातकाल एम्बुलेंस, अग्निशमक व पुलिस सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर 112 की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बनने की कगार पर है, ठीक है। तो ये पहला राज्य बनने की कगार पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है गुड़िया ऐप और शक्ति बटन, ठीक। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सूर्यधार, ये सूर्यधार है, सूर्यधार झील के निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड, ठीक है, याद रखना है आपको उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मैंने आपको पहले ही बताया था, शिला चौकी सूर्यधार झील के निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। लगभग इसका बजट जो है 48 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से इस झील का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा है कि सूर्यधार झील का नाम स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि सूर्यधार परियोजना को 3 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से 30 गांव का पेयजल, 24 गांव के लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल और कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है अरुण जेटली के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा CSR डेटा पोर्टल के बारे में, अरुण जेटली ने लॉन्च किया है। 9 जनवरी याद रखना है आपको, 9 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल और कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आम जनता की पहुंच सुनिश्चित करके सरकार उच्च स्तरीय अनुपालन का मार्ग प्रशस्त करेगी और इसके साथ ही CSR गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के साथ ही सुदृढ़ एवं समेकित भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि CSR डेटा पोर्टल कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल लॉन्च किसने किया था, तो अरुण जेटली ने किया था। फिर छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता लागू करने का। ठीक, अब देखते हैं इसके अंदर 5 फरवरी 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया। इस योजना के अंतर्गत में दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने की स्थिति में 1,00,000 रुपए का बीमा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हरियाणा ने शुरू किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता, 5 फरवरी 2018 को लागू किया। ठीक, सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है पंजाब में। ठीक है, कहां किया गया अपराध एवं अपराध ट्रैकिंग। ठीक, तो ये कहां किया गया, यानी अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए। तो ये किया गया है पंजाब में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा सकता है एग्जाम में। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस न्यायालय की न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये रखी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। तो 16 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत न्याय ग्राम परिसर में एक न्यायिक अकादमी स्थापित की जाएगी। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है क्योंकि ये क्या है, देखिए पढ़िए। हाल ही में कहां पे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट आईएमपी में टिक लगा लीजिए। ये किया गया है रीवा में, और रीवा कहां है, तो मध्य प्रदेश में। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कहां किया गया है सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास विश्व का सबसे बड़ा, तो ये किया गया है रीवा में। 22 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की गुड़ तहसील में विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह प्लांट मात्र 2.97 रुपए प्रति यूनिट की लागत से बिजली उत्पादन करेगा, जो विश्व में सबसे कम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एकदम ध्यान से इसको क्या करना है, याद रखना, नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसको कहीं पर, अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो, या जो मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसमें एकदम मोस्ट आईएमपी लगाकर रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दसवां प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा मुहाफिज योजना शुरू की गई, यह योजना किससे संबंधित है। तो देखिए ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों से, मुहाफिज योजना असंगठित क्षेत्रों से, कहां पर, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में उजाला मित्र योजना की शुरुआत की गई है। उजाला मित्र योजना की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है उत्तराखंड में। 14 दिसंबर 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऊर्जा संरक्षण दिवस पर उजाला मित्र योजना का शुभारंभ देहरादून में किया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में एलईडी बल्ब वितरण हेतु महिला एवं सहायता समूहों को इनमें भागीदार बनाना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा किस राज्य में किया उजाला, तो ये किया गया उत्तराखंड में। किससे संबंधित है, तो एलईडी बल्ब किसने किया, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। एकदम डायरेक्ट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 12वां है कि हाल ही में जर्मनी की किस कंपनी ने भारत में ही निर्मित BS6 श्रेणी की कार का पहली बार उत्पादन किया है। पहली बार उत्पादन किया है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट आईएमपी प्रश्न हो सकता है। तो ये किया है मर्सिडीज बेंज। ठीक है, मर्सिडीज बेंज ने। 13वां प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। डायरेक्ट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर में। तो ये किया गया है 369.84 करोड़ रुपए। ठीक है, 369.84 करोड़ रुपीज क्या किया गया है हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। जो सीमा है हमारी उसके अंदर में बुनियादी ढांचे मतलब बहुत सारी जो उनकी जरूरतें होती है वो सब पूरी करने के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके बारे में है,
तो देखिए पहले कितने सिलेंडर या गैस कनेक्शन का वो था उज्ज्वला योजना के अंदर में, तो पहले 5 करोड़ था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। और उज्ज्वला योजना जो स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 1 मई 2016 को, ये योजना की शुभारंभ किया गया था। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, कितना कर दिया गया अभी, तो 8 करोड़ कर दिया गया, पहले कितना था इसका लक्ष्य, 5 करोड़ था, ठीक है। प्रश्न 15वां देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा देश में भूजल का संरक्षण तथा इसके स्तर बढ़ाने हेतु महत्वाकांक्षी अटल भूजल योजना कब से शुरू करने का प्रस्तावित है, तो ये है अप्रैल 2018 से है, ठीक है, अप्रैल 2018 से केंद्र सरकार द्वारा देश में भूजल का संरक्षण तथा इसका स्तर बढ़ाने हेतु महत्वाकांक्षी अटल भूजल योजना शुरू करने का प्रस्तावित है। यह योजना हेतु 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदान की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा और देख के जाइएगा जब भी एग्जाम देने जाए तो। 16 प्रश्न की अल्पसंख्यकों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला शैक्षणिक संस्था कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देखिए पहला है, इसके अंदर में 5 शैक्षणिक संस्थाएं खोले जाएंगे, तो ये पहला कहाँ खोला जाएगा, पहला खोला जाएगा अलवर राजस्थान में, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय आहार योजना शुरू की गई है, तो अंत्योदय आहार योजना शुरू की गई है हरियाणा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ कि 17 फरवरी 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, अब आपको यह भी याद रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, तो गरीबी और जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वस्थ पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और यमुनापारा में 23 सब्सिडाइज फूड कैंटीन का शुभारंभ किया है। अंत्योदय आहार योजना अंतर्गत सभी गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को मात्र 10 रुपए में स्वस्थ पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलेगा, कितने रुपए में, मात्र 10 रुपए में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, मोस्ट आईएमपी है, टिक लगा लीजिएगा। कहां, तो हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। कौन सी योजना है, तो अंत्योदय आहार योजना, इसके अंदर मात्र 10 रुपए में आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने मैसूर और किसके बीच चलने वाली पैलेस क्वीन हम सफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो यह किया है उदयपुर से। 19 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर और केएसआर बेंगलोर के बीच विद्युतीकृत रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित किया। मैसूर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने मैसूर और उदयपुर के बीच चलने वाली पैलेस क्वीन हम सफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो डायरेक्ट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, अब ऐसे भी रेलवे का एग्जाम आ रहा है तो रेलवे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है सिल क्यारा बैंड बरकोट सुरंग कहां स्थित है, तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़कर नीचे कमेंट करिएगा कि कितने किलोमीटर में ये सुरंग बनने वाली है, ठीक। उसके बाद में 20वां प्रश्न है कि मार्च 2018 में किस राज्य की सरकार द्वारा अस्मिता योजना का शुभारंभ किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्मिता योजना, जितने भी यहां पर मैंने योजना पर योजना बताए वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है, ठीक है। अस्मिता योजना का शुभारंभ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, इसके बारे में देख लीजिए। 8 मार्च 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप ये बात भी यहां पर नोट डाउन करिएगा कि 8 मार्च 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अस्मिता योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सस्ती दरों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जिला परिषद स्कूल की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये किसके लिए है अस्मिता योजना, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। कहां अभी शुरुआत की गई 2018 में, तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। कब से स्टार्ट किया गया है, तो मार्च 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से। कौन सी योजना है, तो अस्मिता योजना है। इसमें क्या होगा, तो इसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन सस्ती दरों पर दिया जाएगा। तो ये 20 प्रश्न थे परियोजना योजना के अंतर्गत में, ये सारे आपको देख के जाने हैं, जब भी आपका एग्जाम होगा इनको पूरा देख के जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। योजना और परियोजना, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका लिंक जो मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डाउनलोड नहीं कर पा रहे सर, तो देखिए ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलता है, उस लिंक के ऊपर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको सीधा डाउनलोड पेज पर आप पहुंच जाएंगे और वहां से PDF जो है डाउनलोड हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, अब जिनको नहीं आता उनको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को लेकिन खासकर मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूं कि अगर आपने स्किप किया एक भी जगह पर, स्किप करके मत देखिएगा, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा, इसको 2 से 3 बार एकदम याद हो जाएगा आपके दिमाग में और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछे जाएं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जय हिंद जय भारत।